चार पुत्र होने के बाद भी आज कोई अग्नि देने के लिए नहीं है। राम लक्ष्मण जी बन चले गए, भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल गए हुए हैं, अग्नि कौन देगा। सेवकों को बुलाकर गुरुदेव ने कहा कि शीघ्र जाइए भरत जी के पास और जाकर कुछ कहिएगा मत, केवल इतना कहिएगा कि गुरुदेव ने याद किया है, अविलंब चली और यहां दर्शन करिए। वो स्वामी जी कहते हैं कि अनरथ अवध अरंभे जब ते कुश गुण हो ही भरत कहूं तब ते। जिस दिन से, जिस रात्रि से मां कैकेयी ने महाराज से वरदान मांगा, उस रात्रि से भरत भैया को ननिहाल में अपशगुन होने लगे। यहां दर्शन करिएगा, यह प्रसंग कहता है घर परिवार में कई लोग पास भी होकर बहुत दूर रहते हैं। क्यों? उनके आपके भाव स्वभाव अभाव से कोई लेना देना नहीं है। और कभी अनुभव करिएगा, कई लोग दूर भले रहते हैं, मन से आपके पास रहते हैं, आपके साथ तनिक भी घटना होती है उनका फोन आ जाता है तुरंत। भरत जी को अपशगुन होने लगे, रात्रि में भयानक सपना देखते, देखा ही रात भयानक सपना, जाग कर ही कटुकोटि कल्पना। प्रातः काल जगते हैं तो अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, डर जाते हैं, तो शत्रुघ्न भैया को लेकर भगवान शंकर का अभिषेक प्रारंभ करते हैं। बाबा कृपा करिए, अभी ये चल ही रहा ये प्रकरण, एक सप्ताह बीता, तब तक अवध के दूतों को जैसे भरत भैया ने देखा, दूतों ने कहा प्रभु कुछ पूछिएगा मत, शीघ्र चलिए, गुरुदेव ने आपको याद किया है। भरत जी जिस दशा में थे, वो स्वामी जी कहते हैं उसी दशा में दौड़ पड़े। एक निमेश बरस समझ आई, एक एक क्षण भरत भैया के लिए वर्ष के समान व्यतीत होने लगा। वो स्वामी जी कहते हैं जैसे अयोध्या में प्रवेश करते हैं, आप प्रकृति का दर्शन करिए, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होइ भरत उर सूला। खर सियार प्रतिकूल ध्वनि बोलने लगे, ऐसा लगता है मानो किसी ने अयोध्या के श्री को उससे छीन लिया। भरत जी सीधे मां कैकेयी के द्वार पर गए, मां ने सुना कि लाला आ गया, दौड़कर आरती की थाल लेकर गई, आरती उतारी, लाड लड़ाई, भीतर ले जाकर बिठाई और प्रश्न करती है कि ननिहाल में सब कुशल है ना भरत। भरत जी ने कहा मां वहां तो सब कुशल है, मेरे घर में सब कुशल है ना मां। कैकेयी जी ने पूछा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। भरत जी बोले मां आज एक घटना घटी है, आज के पहले मैं जब भी बाहर से घर लौटा हूं तो द्वार पर आप अकेले नहीं आई हैं, मेरी कौशल्या और सुमित्रा मैया भी आई है, आज आप अकेले आई हैं, सब कुशल है ना। कैकेयी जी ने कहा पुत्र कुशल तो सब हो गया था, बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहूं भरत, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी। भरत जी पूछे क्या हुआ मां। कैकेयी मैया बोली अब आपके पूज्य पिताजी नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते भरत जी सुने, सुनत भरत भय विवस अभिसार, हे तात हे तात, तात तात हे तात पुकारी पुकारी, तात तात कह के भरत जी खड़े खड़े धरती पर गिर पड़े। भरत जी की स्थिति भई जल से मछली को निकाल करके और बाहर धरती पर छोड़ दीजिए,
जिस प्रकार धरती पर मछली छटपटाने लगे, भरत जी तड़पने लगे। माँ कैकेयी से केवल एक बात भरत जी कहते हैं कि भरत के हाथ को रघुनाथ के हाथ में सौंपे बिना अब मुझे अनाज करके पिताजी चले गए। माँ कारण बताइए मुझे। यहां कैकेयी मैया ने सब बताया। देखिए माँ कैकेयी मैया को समझना सबके बस की बात नहीं है। लोग कहते माँ कैकेयी राम जी की विरोधी थी, आम के वृक्ष से अमरूद निकलेगा का हो। कहिए यदि भरत जी जैसे भगवान के भक्त हैं, तो भरत जैसे भगत को जन्म देने वाली माँ कैकेयी राम विरोधी कैसे हो सकती है। कहते हैं जैसन काकर वैसन बिया, जैसन माई वैसन धिया। यदि भरत जी राम भक्त हैं, तो माँ कैकेयी राम विरोधी कैसे हो गई। कैकेयी मैया जानती हैं कि मेरा राम जब तक बन नहीं जाएगा, तब तक राम राम रहेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाएगा। कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया और उस राम को 14 वर्ष के लिए वन की ओर भेजकर माँ कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है। माँ कैकेयी राम जननी है। राम जी कहते हैं सुनु जननी सोई सुत बड़ भागे। माँ कैकेयी ने कुछ छिपाया नहीं, सब बताया भरत जी को। और दर्शन करिए भरत जी सुने। भरत ही बिसरे ओ पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पौ जानिया थकीत रहे। भरत जी सुने कि भैया वन में चले गए। भरत भैया पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरे उ पितु मरण। आप कहोगे महाराज ये कैसे संभव है। संभव भया, आप कहीं जाइए और आपकी गाड़ी भगवान न करे लड़ी जाए, आप गिर जाएं, आप उठकर देखे कि आपका यह हाथ छिल गया है, लहू लुहान हुआ है, बहुत कष्ट होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चले ये तो केवल छिला है, ये तो टूट गया है। जब पता चलेगा कि ये दाहिना टूट गया है, फिर बाएं हाथ का छिलन याद नहीं रहता, भूल जाता है। जीवन में जब बड़ा कष्ट आ जाता है तो छोटा कष्ट उसके सामने समाप्त हो जाता है। भरत जी तो पहले रोए कि पिताजी नहीं रहे, जब सुने कि भैया वन में चले गए, पिताजी की मृत्यु भरत भैया भूल गए, अपने आप को कोसने लगे। हे तू अपन पौ जानिजिय थकित रहे धरि मौन। मन ही मन कहते कैकेयी भैया बन चले गए, अपराध न तुम्हारा है न मंथरा का है। यदि किसी का अपराध है तो इस पापी भरत का है। इस पापी ने धरती पर जन्म ही क्यों लिया। मोर जन्म रघुबर बन लागी है। माँ कौशल्या के पास गए। कौशल्या मैया ने भरत जी को खूब समझाया। भरत जी माँ कौशल्या से 28 पाप की चर्चा करते हैं और कहते मां ये सारे पाप मैं लेने को तैयार हूं, यदि भैया के वनवास में मेरी सहमति है तो। कौन से पाप? जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है, जो पाप सदगुरु की हत्या से लगता है, जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या से लगता है, सब महापाप है। जो पाप गौ की हत्या से लगता है। भरत जी पाप गिनाते गए और कहते गए मां ये सारे पाप तेरे भरत को लग जाए, यदि भैया के बन जाने में मेरी लेश मात्र भी सहमति है मां, मैं सब पाप लेने को तैयार हूं मां।
कौशल्या मैया बोली, भरत क्या कह रहे हैं? एक बात बोलूं, सूर्य जब उदित होते हैं ना तो अंधकार समाप्त हो जाता है, लेकिन भरत ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर देगा, ये संभव है। ये भी संभव है पुत्र कि जल से मछली को बाहर निकाल दो तो मछली मरे नहीं जीवित रह जाए, संभव है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो, ये संभव है। लेकिन एक बात मैं कहूं, मेरा पुत्र भरत अपने भैया राम के विरुद्ध कोई व्यवहार करेगा ये किसी युग में संभव नहीं है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कितना अटूट विश्वास है हो है? ये विश्वास ही परिवार की रीढ़ की हड्डी है। रात भर भरत जी मां कौशल्या के पास बैठे रहे। प्रातःकाल गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया, सरजू मैया के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता सजाई गई। अब भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि प्रदान किया। भरत जी ने ऐसा तेरे ही कर्म किया है, त्रयोदश संस्कार किया है। गोस्वामी जी कहते हैं 100,000 मुख से उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती, 100,000,000 जाए नहीं। कोई भी घर में परिवार में चला जाए तो उसके श्राद्ध कर्म को बड़ी श्रद्धा से पूर्ण करिए। श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध शब्द का जन्म हुआ है। ये कर्म हमारे जाने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। भरत जी ने गुरुदेव भगवान एक प्रकार से बताते थे तो वो स्वामी जी कहते हैं भरत जी उसको 1,000 प्रकार से करते। त्रयोदश संस्कार हुआ, उसके बाद 4 दिन बाद श्रद्धांजलि सभा अवध में बैठी। गुरुदेव भगवान ने जगत की नायक चर्चा करते करते भरत जी से कहने लगे, भरत जी विधाता ने मनुष्य को बनाया, सब कुछ मनुष्य के हाथ में सौंप दिया पुरुषार्थ, लेकिन 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने हाथ में रखे हैं, हानि लाभ जन्म मरण यश और अपयश, ये विधि के हाथ में है। कौन कब जन्म लेगा, कौन कब जगत से जाएगा, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में है। और भरत जी आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे, इसलिए आप पिताजी की ग्लानि न करिए। मैं कहता हूं आपके पिता जैसा पिता न कभी था, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में है, और भरत जी आपके पिता जैसा पिता दोबारा होने वाला नहीं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, व्यर्थ में ग्लानि कर रहे हैं। आपके पिताजी को वचन से प्रेम था भरत जी, प्राण से प्रेम नहीं था। प्राण से यदि प्रेम होता तो महाराज प्राण बचाते वचन छोड़ देते, परंतु आपके पिताजी ने वचन को बचाया, प्राण का त्याग किया। एक वचन मान करके भैया वन में चले गए, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए। लेकिन यहां आपसे एक निवेदन करूं, भरत जी एक बात जानते हैं, क्या मालिक बनने से बचा जाए। क्या कह रहे हैं? मालिक बनने से बचा जाए। घर में यदि कोई बड़ा है तो बड़ा के रहते घर का मालिक न बना जाए। कई लोग कहते हैं महाराज वो बड़का भैया उतना तेज नहीं है, हम तेज हैं इसलिए मालिक है। अरे आप तेज यहां आकर बने हैं, आपके बड़का भैया बड़ ऊपर से बना के भेजे गए हैं, अब इसको क्या कर दीजिएगा है? इसको कैसे बदल दीजिएगा? विवेकी पुरुष वो है जो करता तो स्वयं है लेकिन अपने श्रेष्ठ को अपने से आगे खड़ा किए रहता है, ये विवेकी पुरुष है। यदि भगवान ने आपको योग्यता दी है तो आप करिए, लेकिन श्री अपने श्रेष्ठ को प्रदान करिए, ये धर्म कहता है। धरती पर वो सौभाग्यशाली है
जिसको कोई आशीर्वाद देने वाला है। अभी आपको बताऊं, हम लोग यहां पर आए तो आने के पहले मेरी माता जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। ये स्थिति आ गई कि 23 तारीख को होली के पहले मां को कलकत्ता हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बहुत स्थिति बिगड़ गई थी। हम यहां कथा के लिए आएंगे भी कि नहीं आएंगे ये निश्चित नहीं था। कथा कब से हुई प्रारंभ भैया? 28 तारीख से। 27 तारीख को रात को 11 बजे तक निश्चित नहीं था कि हमको आना है। सुबह में जहाज थी 7 बजे, हमारा और इनका दोनों लोग का टिकट था। अंत में महाराज श्री से बात हुई, मैंने कहा सरकार कथा भी है, भैया ने तैयारी कर दी है, समय भी नहीं है कि आगे एक दो दिन उसको बढ़ा दे, बाहर निकलना है। तो विनय को घर पे रोक कर मैं अकेले आया। जब माँ हॉस्पिटल से घर आ गई तब विनय वापस 2 दिन बाद यहाँ कथा में लौटे हैं। अभी मेरे बड़े भैया जो हमारे सबसे बड़े भैया हैं उनसे मेरी परसों बात हो रही थी माँ की तबीयत को ही लेकर, तो बोलते बोलते भावुक हो गए, कहने लगे कि चाची घर में आ गई, बड़ी प्रसन्नता है। बाबू मैं तो डर गया था, घर में एक वही है जो हमको आशीर्वाद दे सकती है, नहीं तो मेरे से कोई बड़ा है नहीं। घर में कोई बड़ा है तो उसका आदर करिए, उसका सम्मान करिए। रुपया आज है, रुपया कल नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो श्रेष्ठ है वो मरने के बाद भी पित्र बन करके आप पर अपनी करुणा की कृपा की वर्षा करता है, आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। जब तक रहता है तब तक आशीर्वाद तो देता है, जाने के बाद भी आशीर्वाद देता है पित्र बन करके। इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करिए कि आपके जीवन में प्राथमिकता रुपए की नहीं होनी चाहिए, जीवन में प्राथमिकता संबंधों की होनी चाहिए। धन नहीं है, आ जाएगा, आया है समाप्त तो हो जाएगा। संबंध यदि समाप्त तो हो गया ना, फिर कुछ बचने वाला नहीं है। प्रयास करिए छोटा होकर जीने में, छोटे को कोई टेंशन नहीं है, कोई भी बात हो भैया जाने है? कोई बात हो चाचा जाने, बड़े लोग जाने, वरुण बाबू का टेंशन है, हो भैया जाने, भरत जी जानते हैं कि बड़े के रहते कभी घर का मालिक नहीं बनना है। गुरु जी कह रहे हैं राजा बन जाइए, लेकिन हम आपको बतावें गुरु जी भी नहीं चाहते हैं कि भरत जी राजा बने। समाज की व्यवस्था है कि उनको बोलना पड़ रहा है कि भरत जी राजा बन जाइए। भरत जी को गुरु जी ने रास्ता दिखा दिया, सूक्ष्म रास्ता। कहते भरत जी क्यों चिंता करते हैं, वेद विदित है, लोक सम्मति है, पिता जिस पुत्र को सत्ता देता है वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है। गुरु जी ने कहा जेही पितु दे सो पावई टीका, पिता जिस पुत्र को सत्ता देगा वही पुत्र अधिकारी है। भरत जी सुने, सोचने लगे पिताजी मुझे नहीं देना चाहते थे, पिताजी भैया को देना चाहते थे, मेरे लिए मांगा गया है, इसका अर्थ इस सत्ता का अधिकारी मैं नहीं हूं, इस सत्ता के अधिकारी मेरे भैया हैं। गुरु जी ने फिर कहा हम तो कहते हैं अभी राजा बन जाइए, जब राम जी 14 वर्ष बाद लौटेंगे तो सौंपे हो राज राम के आए। गुरु जी ने कहा राम जी आएंगे तो सौंप दीजिएगा। मनुष्य उसी प्रकार की बात का अर्थ निकालता है जिसमें उसको अपना लाभ दिखाई पड़ता है। ये सहज व्यवहार आपको सुना रहा हूं, हम वैसा ही अर्थ निकालते हैं जिसमें हमको लाभ दिखाई पड़ता है। गुरु जी ने कहा सौंपे हूं राज राम के आए, भरत जी को कान में सुनाई पड़ा
सौंपे हुराज राम के जाए। गुरु जी बोले आ करके सौंप देना, आएंगे तो सौंप देना। भरत जी समझ गए जा करके सौंप देना, यदि सौंपना ही तो आने की क्यों प्रतीक्षा की जाए, वहीं पहुंच के सौंप दिया जाए। सुमंत जी ने कहा भरत जी गुरु जी जो कह रहे करिए कीजिए, गुर आय असु अवसी कहां ही सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहु। राम जी जब आए उस समय जो उचित लगेगा करिएगा। मां ने कहा कौशल्या मैया ने, भरत जी जो गुरु जी कह रहे वही उचित है। जब मां ने कहा ना तो भरत जी फफक के रोने लगे, कहे मां आप तो जानती हैं मेरे और भैया के संबंध को, आप कह रही हैं, मैं अपनी बात कहूं गुरुदेव, मुझे हंसी आ रही है कि पिताजी देवलोक चले गए, भैया वन में चले गए और आप लोग भरत को राजा बनाकर मेरा हित देख रहे हैं। भरत का हित राजा बनने में नहीं है, हित हमारा सिया पति सेवकाई। भरत का हित राजा बनने में नहीं है, भरत का हित भैया की सेवा करने में है। भरत जी कहते हैं गुरुदेव कोई स्त्री सिर से पांव तक गहना पहन ले यदि कपड़ा नहीं धारण करे तो वो गहना व्यर्थ लगता है। मन में यदि वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ लगती है। हृदय में प्रेम नहीं है तो जप तप व्रत पूजा सब व्यर्थ है। शरीर में रोग लगा हुआ है तो 56 प्रकार के व्यंजन व्यर्थ है। कितना भी सुंदर क्यों ना हो शरीर यदि उसमें प्राण नहीं है तो वो शरीर व्यर्थ है गुरुदेव। उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं और यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है, इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरी दृष्टि में। बादि मोर सब बिनु रघुराई, रघुनाथ जी के बिना मेरा सब व्यर्थ है। गुरुदेव अभी मैं राजा नहीं बना, केवल ये कहा गया कि भरत राजा बनेगा। आप कल्पना करिए मैं कितना बड़ा पापी हूं, जिस भरत का नाम केवल सामने आया पिताजी मर गए, भैया वन में चले गए। सोचिए जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा धरती फटेगी और रसातल में चली जाएगी। आप सबने अपनी अपनी बात कह दी, आज्ञा हो गुरुदेव तो भरत अपनी बात कहना चाहता है। गुरु जी ने कहा कहिए भरत जी। भरत जी बोले आपन दारुन दीनता कहां सब ही सिरु नाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जा। भरत जी बोले जब तक रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन नहीं होगा गुरुदेव मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। पर आपको बताऊं भरत जी आगे जो कहते हैं वही भरत जी का चरित्र है। सरकार ये अर्धाली ही भरत जी का चरित्र है। भरत जी कहते हैं गुरुदेव यद्यपि मैं अपराधी हूं, मैं अनभल हूं, आज रघुवंश में जो उत्पात हुआ है वो सब मेरे कारण हुआ है, मैं जानता हूं। लेकिन एक बात और मैं जानता हूं जो आप लोग नहीं जानते हैं। गुरु जी बोले क्या? भरत जी बोले गुरुदेव मैं भैया के पास जाऊंगा ना, यद्यपि मैं कितना भी बड़ा पापी क्यों नहीं हूं मुझे विश्वास है जैसे मैं भैया के सामने पहुंचूंगा मेरे भैया मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करके और देखते मुझे दौड़ कर अपने हृदय से लगा लेंगे, ये मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है गुरुदेव, वो मेरा त्याग नहीं करें। आपन जानी न त्यागी है,
मोहि रघुबीर भरो, मोहि रघुबीर भरो। आपन जान, भरत जी कहते हैं अपना जान कर प्रभु मेरा त्याग नहीं करेंगे गुरुदेव, ये मुझे विश्वास है। यही विश्वास भक्ति है, यही विश्वास भजन है। इसी विश्वास को दृढ़ कराना है शशी बाबू। क्या भगवान अपना जान करके हमको कभी छोड़ेंगे नहीं? ये विश्वास यदि जीवन में उत्पन्न हो गया, आप कुछ भी कर सकते हैं, भगवान हमको नहीं छोड़ेंगे। भरत जी कहते मैं कितना भी बड़ा अपराधी हूं, क्या हुआ, अपना जान कर वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मोहि रघुबीर भरो। पूरी प्रजा नाचने लगी, पूरी प्रजा जय जयकार करने लगी, भरत जी की जय हो भरत भैया, जय हो भरत भैया। भरत जी सबको लेकर राम जी के पास चलेंगे। प्रातः काल भरत जी गुरुदेव भगवान से कहे, गुरुदेव हम आज्ञा चाहते हैं, राज्याभिषेक की पूरी सामग्री ले ली जाए और आप चलते वन में भैया का तिलक।